Hi everyone, welcome back to YouTube channel New Turn Friends. I hope आप सब सेफ होंगे और आप सबके MSTCET 2022 के एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है. आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे. तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले अबाउट डू और डाई चैप्टर्स ऑफ ECMB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बारे को डू और डाई चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. उनके बिना आपका पेपर नहीं निकलेगा, सिंपल चीज. ओके, डू और डाई चैप्टर्स मतलब ये करने ही करने हैं आपको. ओके, इसके बिना आपका स्कोर नहीं बन पाएगा. जो हमारा जो टारगेट होता है बेसिक टारगेट 150 प्लस, वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है. और मैं चाहता हूं महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को 150 प्लस मिले. उसके लिए मैं मेहनत लेने के लिए तैयार हूं, आपको सपोर्ट करना है उन सब चीजों को, ठीक है. इसका प्रूफ मेरे पास है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर न्यूटन एडुकेटर से 15 से 20 बच्चे सीयूएमबी रिजल्ट है वालचंद PICT में पढ़ रहे, ठीक है, एक ही इंस्टीट्यूट के. अब जनरली ये चीज नहीं मतलब आपको देखने मिलती, तो वो लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजीज फॉलो की, सेम चीजें फॉलो की, तो इसलिए वो वहां पे गए हैं, ठीक है. उनके इंटरव्यूज भी लाके रखे, आप जाके चेक कर सकते हो. ओके, और भी इंटरव्यूज आएंगे उनके, तो ठीक है. अभी हम डू और डाई चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं. उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया तो जल्द से जल्द शुरू कर देना यार, वरना आप सबसे बड़ा रिग्रेट करोगे कि मैंने मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाई और आपका स्कोर कम आया. तो उसकी जिम्मेदार एक ही चीज होगी, मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है. अगर आप 20 मॉक टेस्ट भी लगाते हो पेपर के पहले, ठीक है, पेपर के 2-3 महीने पहले 20 मॉक टेस्ट भी लगा के जाते हो, 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन. अगर कोई बंदा या बंदी 3000 क्वेश्चन लगाता है और उसका पेपर नहीं निकलता, पेपर में उसके 150 प्लस नहीं आते, तो ये अनबिलीवेबल चीज है, ठीक है. 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मॉक टेस्ट दिए उसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. जैसे आपकी मॉक टेस्ट खत्म होगी तुरंत आपको आपका सॉल्यूशन पता लगेगा. अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये बंदा अपना प्रमोट कर रहा है, अपनी चीजें बता रहा है हमें. भाई कोई फोर्स नहीं है. आपको बाहर कहीं पे लगा मतलब मॉक टेस्ट मिल रही ना जिसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है हर एक क्वेश्चन का, वहां से लगा लेना, लेकिन आपका फायदा आप कर लेना, ठीक है. मेरे लिए हर साल बैचेस आती रहेंगी, ठीक है. आप अभी निकल जाओगे, नेक्स्ट ईयर कुछ और बच्चे आएंगे, ठीक है. मुझे सेम चीजें उन्हें भी बतानी है, सेम स्ट्रेटेजी बतानी है. फायदा मुझे खुद का नहीं करके लेना. आपको जहां पे बेस्ट लग रहा है आप वहां से लगा सकते हो, लेकिन लगा लेना, ठीक है. चाहे आप मुझे गालियां दे दो, लेकिन अपना फायदा कर लेना. आप बाहर अगर आपको मिल रहा है हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन और तुरंत आपको एग्जाम के बाद तुरंत आपका रिजल्ट अगर मिल रहा है तो आप वहां से लगा लेना, ठीक है. क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. आज एग्जाम दी और 2-3 दिन बाद फिर रिजल्ट आएगा, वो सब चीजें नहीं करनी. आपको आज एग्जाम दी तुरंत उसके बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए तुरंत दूसरे सेकंड, और तुरंत आपको सॉल्यूशन शीट अवेलेबल चाहिए, ठीक है. आपको जहां पे बेटर लग रहा हो वहां आप लगा सकते हो. डू और डाई चैप्टर्स की बात करूं तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला है लॉज ऑफ मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसको मैं एक कैटेगरी में बताता हूं, ठीक है. पहले लॉज ऑफ मोशन जो डू और डाई चैप्टर्स है उसकी सबसे आखिरी स्टेज है, ठीक है. हर एक सब्जेक्ट के 8-8 चैप्टर्स मैंने निकाले, ठीक है. उन 8-8 चैप्टर्स को आपको अभी लिख लेना है. ओके, पहला फिजिक्स की अगर बात करूं तो पहला है ग्रेविटेशन, दूसरा है साउंड्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चौथा है ऑप्टिक्स, पांचवा है आपका रोटेशन, छठा है आपका सेमीकंडक्टर और सातवां है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये आपके 8 टॉपिक हो गए फिजिक्स के. 8 टॉपिक लिख लिए. अभी हम बात करते हैं केमिस्ट्री के. केमिस्ट्री के 8 टॉपिक की अगर बात करूं तो पहला है केमिकल बॉन्डिंग, सेकंड है आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जीओसी, ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. उसके बाद है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आपका बी ब्लॉक, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद है डीएनए ब्लॉक, उसके बाद है अल्कोहल फिनोल ईथर. ये थे आपके 8 टॉपिक्स केमिस्ट्री की जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो मैथ्स में पहला आपका टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, दूसरा है आपका फंक्शंस, तीसरा है कंटिन्यूटी, चौथा है लिमिट्स, पांचवा है इंटीग्रेशन, छठा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, सातवां है आपका 3D और आठवां है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है. ये आपके मैथ्स के थे. बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, भैया हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये टॉपिक्स बता के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला. तो भाई पढ़ लो. अभी आप बोलोगे कहां से पढ़े इतना, हम अभी एक एक बुक पढ़ना स्टार्ट करें क्या? नहीं, मुझे पता है प्रैक्टिकल ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो कहीं पे ये क्रैश कोर्स लगा लो. आपकी जैसे सिटी में या आपको आजू बाजू कहीं पे दिख रहा होगा कि भैया हम क्रैश कोर्स में पढ़ा के देंगे सारे टॉपिक्स, तो वहां से पढ़ लो, ठीक है. अभी बहुत सारे बच्चे बोलोगे भैया नहीं मिल रहे हमें, कोई नहीं पढ़ा रहा है. अगर पढ़ा रहे तो 20 से 25 हजार रुपए दे रहे हमारे मम्मी पापा के पैसे, हमें इतना वेस्ट नहीं करना है. 20 से 25 हजार एक क्रैश कोर्स के नाम पे हम नहीं दे सकते. सिंपल सा थॉट है, आपके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आया था. ओके, तो इसीलिए आपके लिए क्रैश कोर्स भी डिजाइन करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है. ओके, जाके चेक करो यार चीजों को, देखो. अगर मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, ठीक है. ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत कुछ चीजें आने वाली है, ठीक है. महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ यार, ठीक है. हर साल मैं चाहता हूँ कि CUEP में 10 से 12 बंदे अपने न्यूटन के लिए रहे, 10 से 12 लोग न्यूटन के वहां पे जाए, PICT में 10 से 12 रहे, ठीक है. ये ड्रीम होता है,
ओके 60 में से अगर 10 बच्चे न्यूटन के हैं तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, मतलब आज तक नहीं वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, 20 से 25 बंदे गए हैं लेकिन सीओईपी में कुछ है, कुछ बीजेटीआई में है, कुछ वालचत में है, कुछ पीआईसीटी में है, कुछ वीआईटी में, ओके, लेकिन इस बैच से मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 2-3 बंदे भी सीओईपी में गए, 2-3 बीजेटीआई में गए, खुश हो जाऊंगा मैं, ठीक है, मतलब इनफ है, क्योंकि अगर 60 बच्चे में से 5 बच्चे न्यूटन के रह रहे सीओईपी में तो बहुत बड़ी चीज है, ओके, लास्ट ईयर जो बच्चे सीओईपी बीजेटीआई वालचंद कॉलेज में पढ़े उन्होंने सेम चीज अप्लाई की, मॉक टेस्ट लगाए, क्रैश कोर्स लगाए, ठीक है, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई थी वो क्रैश कोर्स पे गए, जिनकी पढ़ाई हो गई वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे गए, आप भी आप चेक करोगे कि हाँ कहाँ पे मुझे बेस्ट मिल रहा है, ओके, अभी मैं बायो का जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, बायो का मुझे मैम ने बताया है, ओके, आपका पहला है बायो मॉलिक्यूल्स, सेकंड है ह्यूमन नाइट्रेशन, थर्ड है आपका रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, और चौथा है एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्लांट डायवर्सिटी, एनिमल डायवर्सिटी, सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा उन्होंने बताया, ओके, और इन पे आपको फोकस करना है, ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूं, वीडियो को खत्म करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, मॉक टेस्ट के लिंक है, क्रैश कोर्स के लिंक है, ठीक है, प्लीज उसे जाके देखो, व्हाट्सएप पे भी कुछ 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 बेटर कंटेंट आने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।